पांवटा साहिब में कोरोना का पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। प्रशासन ने लोगढ़ के अलावा हरिपुर खोल और पलहोड़ी पंचायत क्षेत्र को पूरी तरह से सील करने के आदेश दिए हैं। दूसरी ओर मिश्रवाला और माजरा पंचायत को एक एक दिन छोड़कर सील किया जाएगा। इसके साथ ही पांवटा साहिब क्षेत्र में भी कर्फ्यू में ढील के दौरान पूरी सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं, जिससे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। सरकारी आदेशों की पालना के लिए डीसीआर के परुथी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इलाके का दौरा भी किया। टोटल यहाँ पे 35 लोग थे। ये जो अलग अलग मस्जिद थी नाहन में, उसमें थे सारे। ये लोगढ़ मस्जिद में जो 13 लोग थे, उसमें से एक पॉजिटिव आया है और एक का अभी दोबारा से टेस्ट करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएंगे उसमें क्या करना है। एहतियात के तौर पे यहाँ जो लोग हैं उनको बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग में अलग अलग दूरी बना के रखनी है, और जो भी प्रिकॉशंस यहाँ पे दे रहे हैं सबको मेडिसिन देंगे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की। जो स्टाफ इनकी देख रेख में लगा है यहाँ पे, चाहे सफाई कर्मचारी हैं या खाना देने वाले हैं या पुलिस के कर्मी हैं या होमगार्ड के कर्मी हैं, उन्होंने क्या प्रिकॉशन बरतने हैं इनके साथ, वो सारा इनको बताया गया है ताकि किसी तरह इस संक्रमण को यहीं रोका जा सके। सर, क्या लोहगढ़ का भी दौरा किया जाएगा? लोहगढ़ में हमारी टीम ऑलरेडी गई हुई है। लोहगढ़, हरिपुर खोल, पलोड़ी, ये तीनों एरिया पूरी तरह से आज सील कर दिए जाएंगे। यहाँ पूर्ण कर्फ्यू रहेगा, किसी तरह की कोई मूवमेंट अलाउड नहीं होगी। वही मिश्रवाला, एक पंचायत पहले एक पंचायत बाद, पूरा एरिया सील होगा। जो लोकल मूवमेंट्स हैं बिल्कुल बंद होगी और आज पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू में किसी तरह कोई ढील नहीं होगी। पांवटा साहिब में जो 3 घंटे की ढील है वो तो अभी रहेगी, उसके बारे में सरकार के स्तर पर निर्णय होना है कि अगर अल्टरनेट करते हैं या क्या करते हैं। भारत 9 के लिए पांवटा साहिब से सचिन ओब्रॉय की रिपोर्ट।